हेलो, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे ही होंगे। चलिए आइए, आज हम आपको दिखाते हैं अपने बेस का स्पीकर जो एरॉन्स की तरफ से आता है। ये हमारे जनरेटर और बाकी साउंड सिस्टम रखे हुए इधर। इस स्पीकर ने अपना कोन और स्पाइडर के बीच में जो ग्लू लगता है सल्यूशन, वो छोड़ दिया था, तो इसका रिस्पांस एकदम बंद हो गया था। हम लोग ने इसको खोला। इसकी वॉइस कॉइल 4.5 इंच की है, 1700 वाट का ये एक स्पीकर है। इसका कॉन्टीन्यूअस पावर 3400 वाट तक है और 250 के इसका मैग्नेट साइज है। बीएल फैक्टर इसका बहुत स्ट्रांग है, जो कि 30 से ऊपर जाता है। बीएल फैक्टर मैं आपको बता दूं, बीएल फैक्टर ऐसी चीज़ है जैसे कि एम्पलीफायर आपका ज़्यादा पावर का है तो भी ये झेल सकता है। जैसे आपका स्पीकर मान लीजिए 2000 वाट का और एम्पलीफायर उस पर 3000 वाट का दे रहे हैं, तो ये बीएल फैक्टर इसको झेल लेता है, जल्दी जल्दी ऊपर नीचे इसको पंप करने देता है। फास्ट सॉन्ग में कई स्पीकर जवाब दे जाते हैं, वहाँ पर भी एक स्पीकर काम करता है। सेंसिटिविटी इसकी 96 डेसिबल है। इस पे जो स्पाइडर लगा है वो सिलिकॉन का है और इसको हम लोग एलंकी नट बोल्ट से कसे हुए हैं ताकि ये जब अपना परफॉर्मेंस दे रहा हो तो हिले ना, क्योंकि स्क्रू से वो काफ़ी कभी कभी बेस वाले स्पीकर गिर जाते हैं। इस स्पीकर का वजन 16 kg है और इसके ऊपर ये जो कोन पे कोटिंग की हुई है, ये इसको वाटर प्रूफ तो नहीं, वाटर से थोड़ा बचाती है। और ये मेरा यहीं से उखड़ा, ये कोन स्पाइडर के बीच से इसको ग्लू छोड़ दिया है। और इसके स्पाइडर की बात करें, स्पाइडर भी अच्छा है, कोन तो वाटर प्रूफ है ही, और ऊपर से 3 साल यूज करने के बाद तब ऐसा हुआ। हमें एरॉन्स से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा, मतलब ये जवाब दे जाएगा ऐसा स्पीकर इतना दमदार। ये चलिए इसको हम लोग अभी ले कर चलेंगे मिस्त्री के यहाँ, उससे बात करते हैं, क्योंकि ग्लू है नहीं हम लोग खुद चिपका लेते। ग्लू अच्छी क्वालिटी का चाहिए, क्योंकि इनका जो काम करने का तरीका स्पीकर का वो बहुत ज़्यादा फास्ट साउंड पे भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो इसके लिए हम लोग इसको ले गए अच्छे ग्लू, ताकि अच्छा ग्लू मिल सके, अच्छा लग सके। चलिए इसको साहब वाले भैया देख के तो समझ गए हुआ क्या है इसमें, क्योंकि ना इसका कॉइल जला है ना तो इसका कुछ हुआ है। तो उन्होंने इसका डस्ट कैप हटाया और पर्दा वर्दा कुछ नहीं फाड़ा, सिर्फ ग्लू का काम किया और इसको बोले कि एक दिन बाद ले जाइए, क्योंकि ग्लू हमारा सूखने में कुछ टाइम लेगा। हालांकि हमसे पैसे तो ज़्यादा ले लिए भैया ने, 700 रुपये ले लिए, पर काम सही करके दिए हैं। महंगा स्पीकर है ये, स्पीकर हमको 16,500 रुपये में मिला था जब हम लिए थे 3 साल पहले। अभी इसकी कीमत तो 19,000 रुपये भी पता किए थे, हमारा स्पीकर ख़राब हो गया तो हम सोचे फिर से ले आए, पर हम लोग ने कहा कि एक ही स्पीकर ख़राब हो गया, ग्लू लगा के एक बार देख लेते हैं, अगर रिस्पांस आया सही चल गया तो ठीक है, स्पीकर यही फिर से डालेंगे, क्योंकि साउंड में मज़ा ही नहीं है, पावर प्रेशर ज़्यादा रहता है। अभी आगे हम लोग से बात की, बोला कि नहीं अच्छी क्वालिटी, बाकी सब हम लोग करके चल दिए। लास्ट में हम लोग इसकी टेस्टिंग दिखाएंगे, ये कैसे काम करता है, और इसमें एक आध दो साउंड प्ले करके सुनाएंगे। ज़्यादा लंबे हम अपना दोनों बेस चलाने के लिए यूज करते हैं Beta 3 का DT 4000, जो कि हमें 56,000 रुपये में मिला था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उसका भी मिला। टेस्टिंग देख लीजिए कैसे ये जंप कर रहा है सब कुछ। ये हम लोगों ने इसको सिर्फ बेस देके इसका टेस्टिंग किया है, ये काम कर रहा है ग्लू की नहीं सही से। चलिए और इसके बाद हम लोग इस पे सॉन्ग प्ले करेंगे और अपने यहाँ ले चल। अभी आपके भाई का चैनल बहुत छोटा है, कृपया करके इसे ग्रो होने के लिए एक सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम लोग भी थोड़ा चैनल बड़ा कर सकें। धन्यवाद। चलिए